इसराइल की तरफ से 100% कंफर्म हो गया है कि वो ईरान पर हमला करेगा। इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि ईरान पर पलटवार भयानक होगा और ईरान को सबक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इकट्ठा होना होगा। पश्चिम एशिया की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुल रही है। एक तरफ ईरान के युद्धपोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान अब 10 गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है। किसी भी वक्त इसराइल और ईरान का बेहद खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है। दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी गजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है। यह हमला गजा सिटी के अलबस्मा आईवीएफ सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में मानव भ्रूण रखे हुए थे। सबसे पहले हम ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल ईरान युद्ध पर 100% मोहर लगा दी है। दरअसल ईरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इसराइल के दौरे कर रहे हैं। ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इसराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इसराइल के अंदर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरान और इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरान ने साफ कर दिया है कि इसराइल ने ईरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है। Situation is very concerning, but it's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible. इजराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तेहरान, जहां ऐसी रणनीति बन चुकी है कि यूक्रेन और गजा पट्टी से भी भीषण युद्ध अटल हो गया है। एक तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन यह ऐलान कर रहे हैं कि युद्ध अटल है, इसराइल हमला करेगा, और दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागेरी ने एक बयान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा। इसराइल का हमला होते ही फौरन ईरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को दहला दिया जाएगा। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में इसराइल के मंत्री अपने साथी गठबंधन देशों के प्रतिनिधियों के साथ युद्ध की शुरुआत से पहले जबरदस्त बैठकें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है। लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सड़क पर नहीं मनाया गया। इस बार ईरान ने सीक्रेट तरीके से एक बैरक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है, जबकि पिछले साल ईरान की सेना ने आयातुल्ला रोहिल्ला खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था। हालांकि ईरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुप्त तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया, लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान के सेना दिवस में बाकायदा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी। अगर कूचकतरीन तअर्रुज़ अज़ नाहिये रजीम सियोनिस्टी به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل سمندر میں بھی کوئی بڑا ایکشن لے کر اسے چوکا سکتا ہے اسی لیے ایران نے اپنے یدھ پوت کو لال ساگر کی طرف بھیج دیا ہے ایران کی نوسینا اپنے ویاپارک جہازوں کو باقاعدہ اسکارٹ کر رہی ہے ایران کا یدھ پوت جمران فریگیٹ ادن کی کھاڑی میں موجود ہے ईरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी व्यापारिक जहाज पर कब्जा न कर ले। इसराइल के सामने ईरान का गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है। एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी अपने सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्ते की तलाश में लगा हुआ है। इसराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन खुलकर इसराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है।
वेस्ट एशिया के बाकी इस्लामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीति पर अमल करते हुए दिख रहे हैं। ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बातचीत जरूर की है, लेकिन फिर भी ये गठबंधन इसराइल के गठबंधन के सामने बेहद कमजोर नजर आता है, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका न सिर्फ खुलकर खड़ा है बल्कि अमेरिका के जनरल और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का पूरा साजो सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है। ईरान और उसके सहयोगियों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवच बना हुआ है। लेबनान में ईरान के सहयोगी हिजबुल्ला के पास ईरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिण लेबनान में एक बार फिर इसराइल पर टेस्ट फायर किए गए। इसराइल पर 6 मिसाइलें दागी गईं, लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाइलें बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धरती पर गिरने से पहले ही मार दिया। दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गजा पट्टी में लगातार कोहराम मचा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर इसराइल ने गजा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किए और इनमें 56 लोगों को मार दिया है। इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी 17 अप्रैल को कैदी दिवस मना रहा है। इस वक्त भी इसराइल की जेलों में 9,500 फिलिस्तीनी राजनीतिक कैदी मौजूद हैं। इनमें से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। गाजा पट्टी में 7 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच 349 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों पर हुए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का झंडा फहरा रहा था, और इन हमलों में भी 408 विस्थापित लोगों की मौत हुई।